गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फिल्मी रिव्यू। दोस्तों बात करेंगे आज आरआर मूवी की। दोस्तों राजा मौली सर ने क्या मूवी बनाई है। दोस्तों इस मूवी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। दोस्तों क्या स्टोरी है, क्या स्क्रीन प्ले है। दोस्तों जितने भी कास्टर हैं इस मूवी के, दोस्तों क्या बेहतरीन एक्टिंग की है सभी ने। दोस्तों मुझे तो दोस्तों यही नहीं समझ में आ रहा आखिर राजा मौली सर ऐसी स्टोरी कैसे लिखते हैं और कहां से ऐसे कॉन्सेप्ट लाते हैं और उनपे ऐसी फिल्म बनाते हैं जो कि दर्शक मजबूर हो जाएं थिएटर में जाने के लिए। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, ये बिल्कुल पैसा वसूल मूवी है, तो आप जरूर इस मूवी को देखें। तो दोस्तों आप जल्दी से बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में और इसकी स्टोरी के बारे में। दोस्तों मैं इसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो दोस्तों आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस मूवी को देखने के लिए। आप जरूर इस मूवी का टिकट खरीदेंगे और गारंटी से आप इसको देखने भी जाएंगे थिएटर्स में। दोस्तों भारत में अक्सर पौराणिक कथा और ऐतिहासिक घटनाओं पर फिल्में अक्सर बनती रहती हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं को ऐतिहासिक घटनाओं में बदलने का जो हुनर है और उसे बाकायदा पर्दे पर लाने का जो हुनर है वो राजा मौली के अलावा और किसी के पास है ही नहीं। वो दोस्तों उनके पास नेचुरल है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे दोस्तों बात कर ली जाए बाहुबली मूवी की और दोस्तों उसके बाद जो आरआर मूवी आई है, दोस्तों क्या गजब, दोस्तों क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट। दोस्तों राजा मौली साहब बाहुबली में कहीं ना कहीं महाभारत की झलक दिखा चुके हैं और वहीं दोस्तों ये एक जो नया जो कॉन्सेप्ट लाए आरआर मूवी का, दोस्तों उसमें आपको जो ब्रिटिश शासन है वो आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा और वहीं कुछ आपको रामायण की झलक भी देखने के लिए इस मूवी में मिलने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि रामचरण जो है एक ब्रिटिश शासन काल में एक सिपाही होते हैं जिनका जो काम है सिर्फ यही होता है कि जो क्रांतिकारी है उन्हें ये सजा देने का काम करते हैं, लेकिन वो अपने एक वहां पर मकसद से होते हैं। अब वो मकसद क्या होता है दोस्तों वो आप इस मूवी को देखिए तभी आपको इसका मकसद पता चले। नहीं दोस्तों दूसरी तरफ एनटीआर के रोल की बात की जाए तो एनटीआर एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हुए नजर आए हैं, जहाँ वे आदिवासी जो परिवार की जो एक बच्ची है वो ब्रिटिश जेल में बंद होती है तो एनटीआर जो है उस बच्ची को बचाने के लिए जंगल छोड़ के दिल्ली जा पहुंचते हैं। एनटीआर और रामचरण की मुलाकात होती है, वही मुलाकात उनकी दोस्ती की वजह बन जाती है और कहानी कुछ आगे बढ़ने के बाद वे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के घनिष्ठ दुश्मन बन जाते हैं। वे दुश्मन क्यों बन जाते हैं इस चीज को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। दोस्तों इस मूवी का एंड जो है वो रामायण के खांचे में डाला गया है, जहाँ पर राम लक्ष्मण भरत और हनुमान मिलकर कैसे रावण की लंका को तहस नहस करते हैं, उसको कैसे नष्ट करते हैं, इस चीज को दर्शाया गया। तो दोस्तों इस फिल्म की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों राजा मौली सर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पब्लिक के दिल पर कैसे राज किया जाता है। 550 करोड़ रुपए में बनी इस मेगा बजट फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप खड़े होकर ताली बजाने में मजबूर हो जाएंगे। खासकर रामचरण और एनटीआर की एंट्री रोंगटे खड़ी कर देने वाला। यहाँ पर एनटीआर कुछ जानवरों से लड़ते हुए नजर आएंगे, वहीं रामचरण एक पूरी भीड़ के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। ये मूवी आपको पूरे 2.5 घंटे बांधे रखेगी। तो दोस्तों मैं अगर इस मूवी की स्टोरी को अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके की है। जो आप इस मूवी में देखना चाहते हैं वो इस मूवी में बिल्कुल आपके देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कुछ स्टोरी और कुछ कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरीके का है जो आपको एक एक मिनट बांधे रखेगी। तब तक आप इस मूवी को देखते रहेंगे बिल्कुल आप बोर तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली है, ये तो दोस्तों बिल्कुल गारंटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इसी तरीके के मूवीज के रिव्यू आपको देखने के लिए मिलते रहें।